नमस्ते दोस्तों, मैं विकास आपका स्वागत करता हूँ इस वीक के एनालिसिस पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के, जो कि अपना फ्लैगशिप वीकली अल्टीमेट इंडेक्स एनालिसिस है। लास्ट वीक निफ्टी ने मेरा ये टारगेट जोन अचीव नहीं किया 17,400 के करीब का, बट 17,200 समथिंग 220-22 तक, एक्चुअली अपने टाइम फ्रेम भी कम रहा। बृहस्पतिवार को ही ब्रेकआउट दिया और शुक्रवार को ही उसने गैप अप करके टारगेट को अचीव किया। 2 दिन थोड़ा तो साइडवेज हो गया था बाजार इसीलिए, बट नेवरदलेस 350 निफ्टी में मिला एंड करीब करीब 800 बैंक निफ्टी में मिला, तो दैट वाज ब्लॉकबस्टर वीक। जम के मुनाफा बना दोस्तों, स्टॉक्स में भी अच्छे मुनाफे बने, सब्सक्राइबर्स ने भी अच्छा पैसा कमाया, फ्री वाले कॉल्स में भी आप लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। आई थिंक एवरीबडी हैज मेड मनी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक में मेरे को बाजार क्या लगता है और बाजार में किस तरीके का रणनीति होना चाहिए ताकि हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट कर पाए। तो दोस्तों पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में बात करने से पहले अपने कुछ और चार्ट्स पे बात कर लेंगे, जिसमें कि मैं आपको पहले एक बार दिखा लूं उसके बाद। देखिए हम लोग 200 ईएमए के ऊपर चले गए हैं। डाउ जोन्स इज येट टू टेस्ट दिस जोन। इस जोन से डाउ जोन्स अब ज्यादा दूर नहीं है, एट अराउंड 33,168 डाउ जोन्स इज अबाउट टू टेस्ट इट्स रेजिस्टेंस जोन। देखिए आप यहाँ पे इसने एक बार रिजेक्ट किया, सेकंड टाइम, देन अगेन इट इज ट्राइंग टू दिस टच दिस जोन। अब वीकली में अगर आप देखोगे ना, तो वीकली में डाउ हैज मेड अ बॉटम, बट ये जो रेजिस्टेंस जोन है डेली का, डाउ यहाँ पे करीब करीब आ चुका है। इट नीड्स टू क्लोज अबाउट दिस, और अगर इसके ऊपर जाता तो देन वी कैन सी अ रैली टिल 34,800 to 900 दिस आउट जोन्स। ठीक है, दिस प्लेस तो डाउ जोन्स में एक रैली होने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। अब इसके साथ साथ और अपने क्या देख सकते हैं, मैं नेस्डेक फ्यूचर देख लेता हूँ। ठीक है, नेस्डेक फ्यूचर इज पॉइज्ड फॉर ए स्ट्रॉन्गर रैली। बार बार मैं कितने दिनों से आप लोगों को बोलते आ रहा था वीकली सपोर्ट पे आ रहा है बाजार, यहाँ से घूमना तय है। भूल जाइए कि क्या क्या नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं, FII बेच रहे, एवरीथिंग फॉरगेट अबाउट दैट, बाजार को घूमना है। नैस्डैक के लिए भी एक छोटा सा 200 डे माइग्रेशन, अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट कर जाता है देन वी विल हैव टू रिव्यू ड्यूरिंग द वीक। आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी है 5th ऑफ अगस्त, तो मोस्टली वीकेंड लास्ट डे ऑफ द वीक है, तो उतना ज्यादा पैनिक वाला सिचुएशन लास्ट डे ऑफ द वीक है तो नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा मैं ऑलराउंड जगह से देखता हूँ, तो इसलिए आई वाज जस्ट वाचिंग USD INR। USD INR हैज मेड अ टॉप अराउंड दिस लेवल। मैंने अपने प्रीवियस कुछ रिपोर्ट्स में भी दिया था कि USD INR 80 से 81 के करीब टॉप आउट हो जाएगा। इट हैज मेड अ टॉप नाउ ब्रेकिंग 78.99, मीन 79 आउट दिस लेवल, इट विल स्टार्ट डाउन ट्रेंड फॉर USD INR। दिस जोन्स देन अगेन दिस जोन्स, अल्टीमेटली अल्टीमेटली USD INR विल ट्राई टू टेस्ट दिस सपोर्ट जोन्स 77.31। तो ये 2-2.5 रुपए का USD INR आने वाले 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर होगा, और धीरे 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 करके ये अपने 200 DMA के पास आ जाएगा या 200 DMA थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ओके, क्योंकि USD INR हैज मेड ए टॉप आउट। कोई का एक तरफा तो कोई नहीं बढ़ेगा, एक लेवल पे तो जाकर टॉप आउट होगा, इट हैज टॉप आउट। नाउ इट शुड फाइंड सपोज अराउंड 77.35 to 77.87, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। नाउ यस, द नेगेटिव सिग्नल इज दैट क्रूड इज मेकिंग अ बॉटम हियर। 7300 के करीब ने क्रूड ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर लिया। अगर क्रूड इस बार 8100 के ऊपर निकल जाता है तो देन फर्स्ट स्टॉपेज 8300, देन 8700। क्रूड में 5 से 10% का ब्लास्ट आ सकता है क्रूड में, तो ये थोड़ा सा होगा, बट अल्टीमेटली इतना करेक्शन के बाद ठीक है, इतना होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको दिखाया कि वेयर डाउ जोन्स एंड नैसडैक इज वेयर वी आर रेडी। अब जो सबसे वाइटल पार्ट वो मैं आपको बैंक निफ्टी के एनालिसिस में बताऊंगा, पहले अपने निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो
दोस्तों निफ्टी का चार्ट मेरे को वेल डायरेक्शनली बताता है कि अगर निफ्टी 17,000 का जो मेरा प्रीवियस वीक का जो टारगेट था 30,400-30,500 का, अगर इसके रेंज के ऊपर निकलता है तो 17,634 पे थोड़ा सा प्राइस रिएक्ट करेगा, बट ऑल टुगेदर इट इज गोइंग फॉर 18,000 आउट लेवल्स, 18,180 साइज को टेस्ट करने, दिस क्यूज 18,100 के आउट लेवल्स के लिए मार्केट्स आर गियरिंग अप। क्यों गियरिंग अप? बस वी नीड अ ब्रेक, हम लोगों को इसका ब्रेक चाहिए बस, तो बस थोड़ा सा सॉरी। ये जो इसका अपर रेंज आ रहा है ना यही है 17,600-17,700, तो ये दिस जोन में आप जैसे देखिए प्राइसेस आर गेटिंग रिजेक्टेड हियर इन द वीकली चार्ट, और मंथली में आपको देखिएगा, मंथली में वी हैड दिस प्लेस, तो हम लोग मंथली में मैंने बार बार बोला था कि दिस लेवल विल फाइंड अ सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी, मंथली में वी डिड गेट दिस सपोर्ट जोन राइट। बट अब वीकली में जो है ना दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी को एक रेजिस्टेंस, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस मिलना तय है। मैंने दिखाया डाउ जोन्स नैसडेक दोनों डेली चार्ट में 200 EMA के पास है, वहां से प्राइस रिजेक्ट हो सकता है डाउ जोन्स और नैसडेक का, एंड आपको दिखाया कि निफ्टी में भी एक वीकली रेजिस्टेंस जोन पे निफ्टी आया हुआ है, इस रेंज पे ये निफ्टी को भी प्राइस रिजेक्ट करना है 17,500-17,600 के ऑड लेवल से, निफ्टी ऑल्सो शुड फाइंड अ रिजेक्शन। हम लोगों के लिए नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान क्या होगा? विल द ट्रेड प्लान विल बी लाइक दिस, ट्रेड प्लान हम लोग इस तरीके से रखेंगे कि अगर मेरा प्राइस अभी, चूंकि मेरे को ये 200 पॉइंट तो मिल लग रहा है, ये 17,600 तक तो आपको इजीली मिल जाएगा, यू गो लॉन्ग इन निफ्टी, 17,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 17,600 के लिए, 600 से 650 तक के लिए प्ले कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक, मंडे टू फ्राइडे के लिए, मतलब मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे तो सुबह सुबह ट्रेड पॉलिसी आ जाएगा, तो दैट विल बी अ सिचुएशन टू वॉच दैट। बट अगर प्राइसेस यहाँ से रिजेक्ट करता है तो वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन फेल टुवर्ड्स दिस ऑर्डर लेवल 16,800-9,00, ठीक है? तो अपन पहले अपने को ये लेवल पे प्रॉफिट बुक एनी हाउ कर लेना है, एंड दिस लेवल यहाँ पे जो है ना, दिस लेवल पे आप लॉन्ग से बचिएगा, और अगर यहाँ पे अगर आपका कोई लॉन्ग पोजिशन ट्रैप्ड है तो प्लीज हेज इट, यहाँ पे अपना पोजीशन को हेज कर लीजिएगा श्योरली। प्लीज हेज योर पोजीशन एट दिस लेवल्स। ये मैंने आपको बता दिया निफ्टी का एनालिसिस, अगर अपने को यहाँ पे ऊपर, आप यहाँ पे ले सकते हो 17,350 के ऊपर चलता है ना, 300 के ऊपर भी चलता है, आप निफ्टी को लॉन्ग कर लो, ये 350-350 आपको इजीली मिल जाएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रख लीजिएगा 17,200 का, अगर इसके ऊपर लेते हो तो 17,200 का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, और अगर आप मंडे को खुलते ही बाई कर लेते हो तो, अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट करके अगर ब्लैक कैंडल बना रहा हो तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, तो आपको करेक्शन में दिस जोन मिल सकता है, अप्रॉक्स चांसेस है कि दिस जोन मिल सकता है, ठीक है? तो निफ्टी में मैं दो ट्रेड प्लान दे रहा हूँ आपको इस वीक के लिए, क्योंकि मेरे लिए कॉशियस व्यू है निफ्टी में इस वीक में। तो पहला ट्रेड प्लान रहेगा दोस्तों निफ्टी में, व्हाट विल डू कि हम लोग 17,300 के ऊपर चलता है तो वी विल बाई, 17,100 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 17,600-650 का टारगेट रखेंगे, एंड अगर मेरा प्राइस है 17,600 से रिजेक्ट करता है तो देन 650 से रिजेक्ट करता है, इस जून से रिजेक्ट करता है तो देन विल गो शॉर्ट, 17,800 का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड विल प्ले फॉर द टारगेट्स ऑफ 17,300 एंड 16,900, ओके? दिस इज द ट्रेड प्लान फॉर निफ्टी फॉर द अपकमिंग वीक, बट अल्टीमेटली अभी चार्ट्स बुलिश से, बट मैंने आपको वीकली रेजिस्टेंस दिखाया, ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्टेंस बहुत टूटेगा ही नहीं, हो सकता है बाजार इसको तोड़ के ऊपर भी चल गए, ठीक है? नाउ वी विल टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। दोस्तों बैंक निफ्टी में बात करने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों HDFC बैंक पे, मैंने इसके आगे भी प्रीवियस वीक बताया था कि HDFC बैंक का एक वेटेज है बैंक निफ्टी में अराउंड 27% का, एंड HDFC बैंक का मूवमेंट बहुत कुछ डिसाइड करता है निफ्टी के, बैंक निफ्टी के। तो फाइनली HDFC बैंक हैज ब्रोकन थ्रू
थ्रू द शेल्फ आफ्टर अ करेक्शन मेकिंग अ ट्रिपल बॉटम अराउंड हेयर अगेन फेसिंग अ रेजिस्टेंस हेयर सेकंड नाउ इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट अबाउट 200 लेवल इन डेली चार्ट वीकली चार्ट वी आर सीइंग अ वेरी गुड लेवल्स। वीकली चार्ट के हिसाब से एचडीएफसी बैंक का टारगेट 1530 रुपए के करीब का बनता है और वो भी बहुत फास्ट। बहुत फास्ट मतलब बहुत फास्ट। आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ टाइम की जाएगा। एफआईआई का बाइंग चालू हो रहा था, आपने बजाज फाइनेंस देख ही लिया, आपने बजाज फिनसर्व देख ही लिया कैसे 10-10% का रैली उसने लिया। तो एचडीएफसी बैंक इज ऑल्सो एफआईआई फेवरेट कॉन्ट, तो इसमें अब एक बाई बनता है दोस्तों। तो अब अगर एचडीएफसी बैंक अपने 200 EMA के ऊपर अगर इसमें 100 पॉइंट का तेजी, 80 से 100 पॉइंट का तेजी लगता है तो फिर ये बैंक निफ्टी को भी खींच के ऊपर ले जाएगा, राइट। मेरा बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी विल बी स्विच ऑन टू द वीकली चार्ट। दीज आर द लेवल्स ऑफ क्लस्टर, मैंने डेली चार्ट के हिसाब से इसको मार्क कर रखा है लेवल ऑफ क्लस्टर। बैंक निफ्टी हैज जस्ट टच हिट द रेजिस्टेंस क्लस्टर जो कि मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया। बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस क्लस्टर को टच तो कर लिया एंड वी हैव अ ह्यूज कॉल राइटिंग एट 38,000 डॉट लेवल। कॉल राइटिंग तो आप लोग सब देखते ही होंगे, ठीक है। तो वी हैव अ, अब मेरा वीकली चार्ट में मेरे मोमेंटम इंडिकेटर MACD ने बाई भी देख लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा बाई भी MACD भी, ओके। तो अब बैंक निफ्टी मेरे को लगता है कि इट इज पॉइज्ड फॉर 38,800 एंड मे बी 40,000। अगर एचडीएफसी बैंक मंडे को मेंटेन कर ले जाता है 1420 के नीचे, अगर एचडीएफसी बैंक नहीं जाता तो वी आर गोइंग टू सी दिस लेवल्स ऑफ 40,000 ऑड लेवल्स, 40,000 टू 40,900 लेवल्स इन बैंक निफ्टी, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि बैंक निफ्टी को बाई रखे, इस वीक का स्ट्रेटेजी में रहेगा बैंक निफ्टी बाई। इस वीक का स्ट्रेटेजी में बैंक निफ्टी बाई रहेगा अबव 37,850। 37,850 के ऊपर बाई रखना है। फर्स्ट टारगेट विल बी 38,755 और अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता तो देन नेक्स्ट टारगेट विल बी 39,900 एंड देन द अल्टीमेट टारगेट 40,800। तो ये 40,800 कमिंग वीक में नहीं आएगा, इट विल टेक अ टाइम ऑफ 2 to 3 वीक, बट नेक्स्ट वीक के लिए मैंने बता दिया 37,850 के ऊपर बाई करिए 38,755 के टारगेट्स के लिए एंड देन द टारगेट विल बी अराउंड 39,800-900 ये दो टारगेट के लिए नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में प्लान आउट करना। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का अल्टीमेट एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। आप इसको एकदम प्लान करिए एंड एनालिसिस को बहुत डीपली समझिए कि मैंने एकदम सिंपल तरीके में आप लोगों के लिए इसको एकदम प्लान आउट करके दिया है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट इससे मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बाय, हैव ए प्रॉफिटेबल अपकमिंग वीक। बाय, टेक केयर।